हेलो फूडीज। तो तुरई की सब्जी बनाएंगे आज कुछ यूनिक स्टाइल में। तो कढ़ाई में या कुकर में, जिसमें भी आप बनाना चाहें। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में बनाई है, तो थोड़ा सा तेल, जीरा और प्याज डालकर हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 3 से 4 तुरई को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। 4 बड़े चम्मच चने की दाल मैंने ले ली थी, इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था, वो इसमें डालेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर आप ज़रूर डालेगा। काली मिर्च से इस रेसिपी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद आप यहाँ पर इसे ढक्कन देकर हटाइए और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी और फिर से कवर करके थोड़ी देर के लिए इसे कुक होने देंगे, जब तक हमारी दाल और तुरई बढ़िया से कुक हो जाए। लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा मैगी मसाला और अब हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है।